ये दर्शित है हम दर्द है, ये दर्शित है हम दर्द है, ताबीर है ये उस ख्वाब की, जिस ख्वाब की मंजिल हिकमत है, जिस ख्वाब की मंजिल हिकमत है, ये शम्मा ऐसी शम्मा है, जिसकी के जहां में शोहरत है, जिसकी के जहां में शोहरत है, इस वक्त गुजरे हैं हम सब, पर तारे बनकर चमकेंगे, मानिंद गुलों के महकेंगे, महताब की सूरत चमकेंगे। I would now request Dr. Abdul Qadir Sahab, Chairman, Shaheen Group of Institutions, to address the gathering with his vision. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aur chote mote tajrubat Shaheen mein hue, Shaheen Institutions Bidar mein. Taqreeban 33 saal pehle hum LKG se kaam shuru kare the, aur us waqt hamari khwahish thi ki deeni taleem masri madaris mein hona hai, masri school mein दीनी तालीम जो है होना है। उसके ऊपर मेहनत हुई 20 साल, फिर गुज़िश्ता 10 साल से हम दीनी मदारिस में असरी तालीम की शमूलियत के ऊपर काम कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं और इस बात को मदारिस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कूल में जब LKG हम शुरू किए थे, एहसास हुआ था कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम स्कूल में पूरी करेंगे। LKG से हम कायदा पढ़ाना शुरू किए, LKG UKG फर्स्ट और फर्स्ट में खैदा मुकम्मल कर रहे थे और सेकंड स्टैंडर्ड में 30 पारे मैं तजवीद नाजरा मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके सेकंड के बाद फौरी एहसास हुआ कि एक शोबे हिफ्ज भी हमारे पास हो, तो ज़हीन और ख्वाहिशमंद तलबा को हम लेकर शोबे हिफ्ज शुरू किए थे और उसमें रेशो रखे थे 80-20 का। 80% वक्त हम हिफ्ज के लिए देते थे और 20% वक्त मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के लिए लगाते थे। ये बड़ा अच्छा चल रहा था। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमारे स्टूडेंट्स 5 दौर के साथ हिफ्ज मुकम्मल कर रहे थे और वो बाद में 6 में आ जाते थे। थोड़ी सी जो है उनकी टर्मिनोलॉजी साइंस की ठीक करके, क्योंकि मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस हम 1 घंटा यानी 20% टाइम देते थे साथ ही साथ, सिर्फ मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस, दूसरा कुछ नहीं। तो 5-10 दिन 15 दिन में थोड़ी साइंस सोशल की जो है टर्मिनोलॉजी सिखाते हुए उन बच्चों को वापस 6 में लाना शुरू करे, उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा और वो बच्चे आगे बढ़कर देखते देखते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शिरकत करते हुए, उस वक्त केसेट हुआ करता था, नीट नहीं होता था, स्टेट टॉपर बने और स्टेट के टॉप कॉलेजेस में हमारे हाफिज बच्चे जाना शुरू करे, बड़ी खुशी हो रही थी। दूसरी जानिब हम हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों के लिए ट्यूशन बैन कर दिए थे। हमको बुरा लगता था हमारे स्कूल ट्यूशन जाते हुए, हम बैन कर दिए, बोले यहाँ पर आने के बाद ट्यूशन कोई नहीं जाएगा। तो बाद में एहसास हुआ कि कुछ बच्चों को तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो मेहनत करे, कोशिश करे, एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास, रेमेडियल क्लास के नाम पे कोशिशें हुई और फाइनली एक डिपार्टमेंट हम बनाए और उस डिपार्टमेंट का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को इम्प्रूव करके वापस क्लास में भेजना शुरू करें। इस दौरान ड्रॉप आउट बच्चे आ रहे, उनको हम मौका दिए, वो सक्सेस हुए, गैर मामूली सक्सेसफुल होना शुरू हो गए और ड्रॉप आउट जो कभी स्कूल नहीं गए थे वो इंजीनियर बन रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन रहे थे, हॉर्टिकल्चर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गए। तो एक तरफ हाफिज़ बच्चे, हमारे ही शोबे हिफ्ज़ के हाफिज़ बच्चे सक्सेस हो रहे थे और दूसरी तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो तकरीबन 10 साल पहले ख्याल आया क्यों ना ये तरीक़ेकार हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों के लिए अपनाया जाए, और ख्याल आया, ख्वाहिश पैदा हुई और हम फैसला करें, प्रोग्राम का नाम तय करें और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। इस प्रोग्राम के साथ हम ऐलान करके कुछ बच्चों के लिए, हरियाणा से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, बेंगलोर से, हैदराबाद से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, 25-30 स्टूडेंट्स पर मेहनत हुई और हमारी खुशी की इंतहा ये थी कि हम जो प्रोग्राम 6-7 महीने के लिए रख रहे थे वो बच्चे, हाफिज़ बच्चे 3-4 महीने में मुकम्मल कर रहे थे। हमको एहसास था ये प्रोग्राम तरतीब देते वक्त ही कि हाफिज़ हैं तो ज़हीन होते हैं, हाफिज़ हैं तो मेहनती होते हैं और इनके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि पहले ही बैच का एक बच्चा जो हैदराबाद से, बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता है, वो गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर लिया, गवर्नमेंट रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, वो आज MBBS मुकम्मल किया है और MD की तैयारी कर रहा है। कल भी मुझसे उससे बात हुई,
तो ये जो है हमारे हाफिज बच्चे सक्सेस होना शुरू करे। अब ये सक्सेस को देखकर हम लोगों के सामने पेश किए, थोड़ा दौरा कर रहे बाहर, लोगों के सामने पेश किए, उलमा इकराम को मदु किए बताए, तो उलमा इकराम की बड़ी तादाद आई देखी एक से दो मरतबा देखकर, वो ख्वाहिश जाहिर करे कि इस नज़रिए को, ख्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो, ये बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे, ये एहसास हुआ। और डॉक्टर इंजीनियर बनकर इमामत करेंगे और दीन की सही मानों में तबलीग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इंडिया भर में ऐसे तकरीबन 20 के करीब सेंटर्स चल रहे हैं, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के सेंटर चल रहे हैं। रमज़ान के बाद उम्मीद है और 5-7 सेंटर नए शुरू हो रहे हैं। कल हम रामपुर गए थे, रामपुर में जो है लड़कियों के लिए एक बड़ा सेंटर जो है शुरू होने की उम्मीद है। हाफिज़ा लड़कियाँ, इंडिया भर की हाफिज़ा लड़कियाँ, उनको जो है AICU में, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में, उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस वो ठीक करते हैं। आम तौर पर AICU में हाफिज़ों को आप यकीन कीजिए 100 दिन से कम, 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, कुछ ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया था ज़िंदगी में, सिर्फ हाफिज़ था, वो 27 डेज में AICU का कोर्स मुकम्मल करके 10th स्टैंडर्ड में बैठ के समझने के काबिल हो गए और वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तकरीबन 500 के ऊपर हुफाज हमारे पास फ़िलहाल बीदर कैंपस में हैं और ये पूरे हिंदुस्तान भर के हुफाज को इसका मौका मिले, इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। तो वही जैसा कि मैं बताया कि 10 साल पहले ख्याल आया कि दीनी मदारिस में असरी तालीम हो, कि कुछ जो है 80-20 का रेशो हम उसको भी यहाँ पर भी फॉलो कर रहे थे, जैसा कि स्कूल में 20% वक्त दीनी तालीम के लिए लगा रहे हैं और शोबे हिज में 20% वक्त असरी तालीम के लिए, मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस के लिए लगा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 30-40-50 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शुरू हुए और वो 50% को लेकर चले, शायद उसके कुछ ज़्यादा उतने बेहतर नतीजे नहीं निकले, ये जो है तजुर्बे कामयाब हो रहे हैं। और अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस मदरसे में, मदरसा बड़ा है, बहुत बड़ा मदरसा है, तो उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा जो है 9th to 12th रेसिडेंशियल के साथ स्कूल की तालीम मदरसे के माहौल में, स्कूल की तालीम मदरसे के माहौल में ये कोशिशें करें। बेंगलोर में 3 बड़े मदरसे जो है ये काम शुरू करें, लखनऊ में 2 मदरसों में ये काम हो रहा है और भी कई लोग हैं जो इसको अपनाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देखने के लिए, समझने के लिए AICU का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हाफिज़ बच्चे किस तरह से जो है बदल रहे हैं, इनमें किस तरह से कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी अलीगढ़ में हमारे हाफिज़ बच्चा अलीगढ़ में MBBS कर रहा है, यहाँ जामिया मिल्लिया में BDS कर रहा है बच्चा, और वो कभी स्कूल नहीं गए थे, ऐसे कई बच्चे हैं, ये हो रहा है। तो हिंदुस्तान के हर हाफिज़ को मौका मिलना चाहिए, ये हाफिज़ दरअसल ये हीरे हैं, तराशे हुए हीरे हैं, इनके ताल्लुक से 50-60 साल से मैं भी सुनता आया हूँ कि इनको टेलर भी बना दो ताकि वो मस्जिद के कमरे में टेलरिंग करके अपना रोज़गार का इंतज़ाम कर लेगा, ये सरासर गलत है, जुल्म ज़्यादती है हुफाज़ के साथ। मेरा मानना है हाफिज़ है तो IAS IPS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, वरना ये डायरेक्टर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म का, कंपनी का, ऑफिस का बन जाएगा, ये हमारा एहसास है। तो इसको आम करने की हम कोशिशें कर रहे हैं। आप तमाम की जो है सरपरस्ती और दुआओं की दरख्वास्त है, इस पर ज़रूर गौर कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से, जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, कि आइए बीदर आकर इस सिस्टम को देखिए। मैं मधु कर रहा हूँ और ग्रुप्स आ रहे हैं, हर 2-3 दिन में एक काफिला आता है, देख कर जा रहा है, और जो देख कर जाने वालों में से 5-10% ऐसे लोग हैं जो अमलन काम शुरू कर रहे हैं। और आज के इस कॉन्फ्रेंस, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँचे। कई लोग मेहनतें कर रहे हैं, कई लोग मेहनतें कर रहे हैं, गुज़िश्ता 8-10 साल से इस बात को कबूल कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, सिलेबस डिज़ाइन हो रहा है, फिक्रें कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ मसाजिद में को सही मानों में मुसलमानों के मरकज़ बन जाएँ मसाजिद, और मसाजिद सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं बल्कि दावत का मरकज़ भी बने, खिदमत का मरकज़ बने, चैरिटी का सेंटर बन जाए और वो तालीम तरबियत का सेंटर भी बन जाए, और मसाजिद में AICU क़ायम हो जाए, इसके लिए हम ख्वाहिश रखने की कोशिश कर रहे हैं। 5-10 मसाजिद बेंगलोर में ये काम हो रहा है और बॉम्बे में शुरू हो गया है माशाल्लाह। मसाजिद का ऊपर का फ्लोर खाली है, और ऊपर का फ्लोर जुमा के दिन फर्स्ट फ्लोर शायद 30 मिनट्स इस्तेमाल होता है, सेकंड फ्लोर 20 मिनट इस्तेमाल होता है, थर्ड फ्लोर बॉम्बे में बड़े बड़े मसाजिद हैं 15 मिनट इस्तेमाल होता है। ये मसाजिद 24 घंटे इस्तेमाल में आने की जो है मराकज़ हैं, मसाजिद सही जो है मानों में मरकज़ बने और मदरसों में जो है असली तालीम का मिक्सअप हो जाए, एक हसीन इम्तजाज जो है शुरू हो जाए, इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। और अब तालीम के साथ साथ जो है दावत के साथ अब हम चाहते हैं कि सेहत के मैदान में, ख़ास तौर पर ये नौजवान नस्ल
डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है, सेहत का ख्याल नहीं रख रही, बड़े शहरों में लाइफ स्टाइल जो है बिगड़ रहा है, बच्चों का लाइफ स्टाइल बिगड़ रहा है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है और इससे जो है नस्ल पे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए नस्ल की हिफाजत, तहजीब की हिफाजत, ये भी उनवानात हैं जिसके लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करना चाहिए और हम मदारिस के साथ जुड़कर कुछ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए आगे बढ़ेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इस सिलसिले में हमारी सरपरस्ती कीजिए, ताउन कीजिए, जहाँ कहीं भी हिफ्ज़ुल क़ुरान ट्रस्ट की गुंजाइश है हम आगे बढ़कर उनका ताउन करने के लिए तैयार हैं। हुफ्फाज़ के लिए बेंगलोर में अभी कल पेपर में बता दिया जाएगा, यहाँ पे मरकज़ुल दारुल उमूर सिंगापट्टनम में जो है अज़ियाउल्लाह शरीफ साहब अपनी पूरी कैंपस को जो है इसके लिए हाफिज़ों के लिए जो है दे दिए हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों को लेकर रियायत के साथ। वैसे शाहीन में बीदर में फ़िलहाल हम 50% फ़ीस ले रहे हैं, गैर हाफिज़ों के लिए 1,00,000 रुपये है तो हाफिज़ों के लिए 50,000 रुपये में ले रहे हैं। अलग अलग कोर्सेस, नीट रिपीटर 140 है तो हाफिज़ों के लिए सिर्फ 70,000 है और उसके अलावा भी अगर कोई नहीं दे सकता है तो उनके लिए 100% तक रियायत है, लेकिन श्रीरंगापट्टनम में मजीद एक्स्ट्रा रियायत के साथ 50 स्टूडेंट्स को अभी लेने का इरादा है। बनी गुप्पा में जामिल उलूम में ये काम चल रहा है, वहाँ पर फ़िलहाल ये कोर्स शुरू हो गया है। मसीह उलूम में ये काम शुरू हो गया है। लखनऊ में 3 ऐसे सेंटर्स हैं जो गुज़्तर 2 साल से काम कर रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के कैंपस में पंडित में गुज़्तर 4 साल से हिफ्ज़ुल क़ुरान प्लस चल रहा है और साथ ही साथ एक मस्जिद है हैदराबाद में मस्जिद हसन, वहाँ पर 40 हुफाज को रखकर वहाँ पर भी मेहनत हो रही है। मस्जिद में भी ये काम होता है, कोई बड़ी मस्जिद है और रहायश की गुंजाइश है तो वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस काम को आगे बढ़ाएं और हुफाज को उलमा के लिए कोशिश भी मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब की ख्वाहिश थी, 4-5 साल से जिक्र कर रहे थे आप हिफ्ज़ुल क़ुरान प्लस कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आलिम प्लस भी हो जाए। तो लॉकडाउन से पहले हम 8-9 उलमा को सेलेक्ट किए, उनके ऊपर मेहनत हुई, उनको ला में एडमिशन के लिए कोशिश किए, ग्रेजुएट थे ये लोग, थोड़ी सी उनको और ट्रेनिंग किए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करा दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 5 उलमा इकराम जो उसमें मुफ्ती भी हैं वो अब ला के कोर्सेस में एडमिशन लिए हैं, जिसमें अलीगढ़ में हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हैं, इस तरह से उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी में जो है ये बच्चे उलमा ला कर रहे हैं और ये ला के दौरान हम 5,000 रुपये उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं माहाना और ला कंप्लीट होने के बाद उनको प्रैक्टिस करने के लिए 2 साल तक 10,000 रुपये स्टाइफंड देने का ऐलान किए हैं। उलमा को जो है ला के साथ जोड़कर इस शोबे में भी जो शदीद ज़रूरत है महसूस हो रहा है उसको पूरा करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएँ और जहाँ कहीं भी हिफ्ज़ुल क़ुरान प्लस, आलिम प्लस और मदरसे में जो है स्कूल की गुंजाइश है तो हम आगे बढ़कर उनके लिए ताउन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन चंद कलिमात के साथ मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं जो हम यहां पर तशरीफ़ लाए और इस उनवान पर गौर व फिक्र का एक मौका मुहैया किए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।